पुलिस वाले अंकल जा रहे हैं इसको धोने के लिए। झकझक लोग क्या दिख रहे हैं भाई, देखो अभी पूरा अच्छा से दिख रहा है ताजमहल एकदम पूरा क्लियर। और देखो अब जैसे ही करीब हम आए ये गायब हो गया। शर्म वाला बात है कि फ्लैग लेके हम ताजमहल में नहीं जा सकते। वो क्या है वो जो खुद यहाँ पे सोते हैं और हम लोग को रुकने के लिए मतलब अंदर में जगह। सभी दोस्तों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अभी मैं हूँ आगरा में और जिनको पता नहीं मैं साइकिल से पूरा भारत घूम रहा हूँ और हमारी साइकिल देखो भाई सब ये लगी हुई है। और अभी हम जाएंगे आगरा मतलब ताजमहल घूमने के लिए। आगरा का मतलब ताजमहल ही होता है। और ये देखो भाई इसी जगह पर रुके हुए थे एक रैन बसेरा में। आगे से व्यूज़ हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। फिलहाल अंदर चल के कुछ लोगों से बात करते हैं जिन्होंने मुझे लगभग 36 घंटे तक आश्रय दिया, रुकने का जगह दिया। चलो उनका धन्यवाद बोलते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो देखो भाई यही जगह है, यहीं पे हम रुके हुए थे। और ये भाई है, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे रुकने के लिए जगह दी है। और ये दादाजी है। तो ये कौन सी जगह है बता दीजिए तो थोड़ा। ये वाटर वर्क्स, वाटर वर्क्स आगरा में पड़ता है ना। और यहाँ पे कोई भी आके रुक सकता है, कोई भी मुसाफिर आए वहाँ से रुकने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको मतलब इतना मतलब देखो भाई कितना साफ सुथरा यहाँ के मतलब इनको रखते हैं। और ये देखो दादाजी, ये लोग मतलब बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और खुद देखो यहाँ पे सोते हैं, खुद यहाँ पे सोते हैं और हम लोग को रुकने के लिए मतलब अंदर में जगह दे रखे थे। और आगे से चलो दिखाते हैं जो भी होगा थोड़ा सा बताते हैं भाई। ये है वो जगह रैन बसेरा सेंटर रूम करके। और यहाँ पे मतलब वो नहीं है, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। और ये हमारी साइकिल है देख सकते हो। और ये भाई लोग हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं। कहाँ से है भैया? समस्तीपुर से है ना। ये भाई समस्तीपुर से हैं और ये भाई लोकल हैं और हमारा वीडियो देखते थे ये पहले से ही। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा रहा। हम लोग साथ में जा रहे हैं ताजमहल घूमने के लिए। तो ठीक है चलते हैं यहाँ से ताजमहल घूमने के लिए और जो भी होगा आपको बताएंगे। तो देखो भाई अभी हम कहाँ आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही दूर है अब ताजमहल। तो भाई अभी हम एक जगह रुके हुए हैं और ये देखो कौन सी जगह है, ये है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे भाई आप लोग। यमुना नदी के ऊपर ही बना हुआ है ताजमहल। तो चलो थोड़ा सा अंदर चल के दिखाते हैं। ये हमारी साइकिल है और अभी हम चलेंगे अंदर। ये देखो भाई G20 आगरा नगर निगम, इसका तो भाई इतना नाम सुने हैं ना, जब त्रिपुरा में थे ना, सॉरी असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे हैं, हर जगह G20 लिखा हुआ होता था। और भारत को जो मिला है ना वो बहुत खुशी का बात है। ये देख सकते हो भाई यमुना जी, यमुना नदी। और यमुना जी का मतलब थोड़ा सा पानी गंदा रहता है सबको पता ही होगा। और ये देखो भाई ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। कितना दूर होगा भाई यहाँ से ताजमहल? तीन चार किलोमीटर होगा ना। और वो क्या है वो जो अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन, किला देखो भाई पूरा एकदम से किला किला नजर आ रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है ना, फोन से बनाते हैं भाई। आगरा तो अभी पहुंचे नहीं है लेकिन देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किला नजर आ रहा है चारों तरफ। गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि पूरा किला नजर आ रहा है पूरा एकदम से। और ये देखो भाई एक फिर देखो थोड़ा सा मतलब बनारस याद आ गया, वहाँ भी सेम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग हुआ करता था। और देख सकते हो भाई यहाँ पर भी सेम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई बड़े जगह जा रहे हैं यानी कि ताजमहल। ये देखो हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट पे, इसको ना आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। ये हम वीडियो में आपको आगे जब उस तरफ से वापस आएंगे तब दिखाएंगे। हेलो तो भाई हम आ चुके हैं अभी ताजमहल के मतलब पार्किंग में। और ये हमारी साइकिल है और ये भाई लोग पर्ची काट रहे थे तो हमारा पर्ची नहीं लगा। इधर देख लीजिए भैया एक बार, हेलो कर दीजिए बस। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एकदम ये स्टाइल है नया वाला। तो चलो अब हम चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। और ये जो भैया है सामने उनसे मिलाते हैं, यही बोले थे पर्ची नहीं काटने के लिए। देखो यही भाई साहब है, इन्होंने ही बोला था कि पर्ची नहीं काटने के लिए। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चलते हैं ताजमहल देखने के लिए, ठीक है। चलो भाई अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो ये ताजमहल ही है, जो पीछे का सीन कुछ ऐसा है। तो अभी हम सामान ले जा सकते हैं और ये सब नहीं ले जा सकते हैं, हालांकि हमारा बैग तो बहुत छोटा है, एकदम लेडीज पर्स से भी छोटा है देख सकते हो भाई। देखते हैं ले जाने देते हैं ये लोग की नहीं। तो देखो भाई आ चुके हैं हम टिकट काउंटर के पास और देख सकते हो 15 साल से नीचे का बच्चा लोग है उसके लिए फ्री है और हम लोग के लिए 50 रुपया है। और ये भैया जो है ये हमारे लिए टिकट कटवा रहे हैं। हमारे बैग में ना ट्राईपोड था और फ्लैग था इंडियन फ्लैग, तो वो ले लिए। मतलब फ्लैग से उन लोगों को दिक्कत हो रहा था कि फ्लैग लेके अंदर क्यों जा रहा है, बता भाई कितना मतलब शर्म वाला बात है
फ्लैग लेके हम ताजमहल में नहीं जा सकते तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको ताजमहल की खूबसूरती। तो भाई हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो ये सारे के सारे हल्का फुल्का फोटोग्राफर हैं, एक फोटो बोल के 10-20 फोटो खींच के और पूरा एकदम बेवकूफ बनाने वाला काम स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। और हालांकि पहली बार आ रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस हमको पूरा है। तो देख सकते हो ताजमहल के आगे आ चुके हैं, अब हम इन करेंगे। तरफ है ये तरफ, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना ताजमहल, व्हाइट कलर का थोड़ा थोड़ा, वो पिलर दिख रहा है ना मतलब मजा आने वाला है भाई, बहुत एक्साइटेड है भाई। जैसा भी है मतलब हमारे इंडिया का सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है। चलो चलते हैं आगे। ताजमहल को सबसे ज्यादा खूबसूरती से भाई यहीं से देखा जा सकता है। दिखाते हैं पीछे वाला कैमरा, कितना मस्त नजर आ रहा है ना। देखो अभी पूरा अच्छा से दिख रहा है ताजमहल, एकदम पूरा क्लियर। और देखो अब जैसे ही करीब हम आए ये गायब हो गया, देखो गायब हो गया। अब और करीब चलते हैं तो देखना पूरा एकदम और ज़्यादा खूबसूरत होकर ये नज़र आएगा। देखो हम आ रहे हैं और करीब धीरे धीरे, और देखो भाई ये खूबसूरती, देखो ये जो नज़ारा है भाई। अब हम चलते हैं ताजमहल को थोड़ा सा और करीब से दिखाने के लिए, और ज़्यादा करीब से दिखाने के लिए। देख सकते हो यहाँ से भी थोड़ा सा दूर है, और ताजमहल का जो सबसे बेस्ट व्यू आप हजारों फोटो देखे होंगे वो इस जगह का होता है भाई, इसी जगह का। यहीं से वो जो छोटा सा नदी है वो मतलब छोटा सा वो पानी का वो है वो दिखता होगा आपको जो मतलब फोटो में देखते होंगे। और ये देख सकते हो भाई मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार, इतना ही अच्छा। मतलब कोई मंदिर उड़ जाते हैं ना, मंदिर राम मंदिर गए थे, बनारस गए थे काशी विश्वनाथ, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कुछ वैसा ही सुकून और शांति हमको मतलब यहाँ आके भी मिल रहा है। ज़रूर भाई कोई ये मतलब है तो आखिर ऐतिहासिक चीज़ ना। और ये देखो कितनी सुंदर है भाई, कितनी सुंदर है। थोड़ा सा और करीब आ गए हैं, और करीब देख सकते हो यहाँ से, अब ज़्यादा दूर नहीं है। और जाते हैं फर्स्ट पर तो छू के देखेंगे कितना खूब मतलब क्या है इसके अंदर, जो इतना मतलब लोग आते हैं देखने के लिए, पूरा दुनिया में मतलब फेमस है ताजमहल। तो भाई हम तो रील्स शूट करने में इतना ना बिजी हो गए ना कि मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो बना ही नहीं पाए, थोड़ा सा उधर से आए थे तो ठीक है नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इधर से घूम के वापस से जाएंगे ताजमहल को और भी करीब से देखने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में, अच्छा ही लगेगा। उन्होंने संग मर मर ये मीनार। तो भाई और भी ज़्यादा करीब आ गए हैं हम ताजमहल के, और ये देखो रील्स बना रहे हैं ये लोग, हद करते हैं लेकिन हर जगह मतलब चालू हो जाते हैं। और देखो ये पुलिस वाले अंकल जा रहे हैं इसको ढोने के लिए। और ये देख सकते हो भाई कितना सुंदर है, मतलब गजब लग रहा है भाई, गजब। चलो और भी करीब चलते हैं और छू के पहले देखेंगे कि भाई कैसा महसूस होता है ना। भाई बचपन में कहानी पढ़ा करते थे बहुत सारा कि मतलब यमुना जी है ताजमहल के ठीक पीछे, तो अभी हम ताजमहल के दाहिने तरफ हैं और चलो देखते हैं सामने, शायद इधर यमुना जी है, तो देखते हैं जाके करीब से कि यमुना जी कैसी दिखती है। हेलो, यात्री बाबा ठीक है, थैंक यू। के बारे में ना दो तीन बातें सुने थे कि यहाँ पे 22 की 20 दरवाजा है और वो हमेशा बंद रहता है, कोई नहीं कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुआ था, तो देखते हैं उसका पता लगा के। और इसके अलावा एक ऐसा जगह के बारे में भी सुने थे जहाँ पे मतलब हमेशा पानी गिरता रहता है, तो देखते हैं आगे जाके कुछ होता है तो भाई पता करते हैं और हम आपको बताएंगे, देखते हैं। बस बात है भाई यहाँ पे मतलब आप किधर से भी जाओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ आगे जाओ पीछे जाओ कहीं भी, मतलब पूरा सेम नज़र आता है ताजमहल, हर तरह से मतलब सारा का सारा स्ट्रक्चर पूरा सेम नज़र आता है। और मतलब इस आखिर है भी तो भाई 400-500 साल पुराना, और इतना सुंदर है ना कि क्या बताएं भाई। सोचो कितना मतलब हमारे इंडिया के लोग कितना मेहनती होते थे और कितना दिमागी लाल होते थे, कितना मतलब टैलेंटेड होते थे उस समय के, आज से 500-600 साल पहले का बात कर रहे हैं, कि देखो इतना भयानक इमारत खड़ा कर दिया जो पूरा दुनिया में फेमस है। और मतलब ताजमहल 7वां अजूबा है भाई, 7वां अजूबा, और इंडिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह में से एक है ये। और देखो भाई सब यमुना नदी, यहाँ पे यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल है ये, कई बार आपने किताबों में पढ़ा होगा, बचपन में देखा होगा, सुना होगा। तो और भी देखते हैं कुछ खास बातें बताते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो, और भी डिटेल्स में हम बता पाते अगर हमारे पास कोई गाइड होता,
एक मिले थे तो वो 300 रुपया बोल रहे थे, भाई 300 रुपया में तो हम दिल्ली पार हो जाएंगे, उतना खर्चा करने का क्या जरूरत है, आप कहीं और यूट्यूब पे वीडियो में है ना देख लो, और हम बस खूबसूरती दिखाते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है ताजमहल, और ये देखो पूरा चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और अभी मतलब 12 बजने वाले होंगे, ताजमहल को देखते देखते भाई मन नहीं भरा है हमारा, और हमारे साथ जो दो भाई लोग आए थे हमारे समस्तीपुर के हैं, पूसा के हैं, तो ये भाई लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि अब जाएंगे क्योंकि इनकी ड्यूटी का समय हो गया है, और इन्होंने मतलब टिकट भी हमारा कटवा दिया, बहुत कुछ किया, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कभी जब वापस आएंगे ना तो आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हमको, मतलब हम अच्छे हैं ना तो हमको भी सिर्फ अच्छा लोग ही मिलेगा, ये चीज़ हम मतलब पता नहीं कितने सारे वीडियो में हम बोले होंगे। तो चलो हम और खूबसूरती दिखाते हैं ताजमहल का, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, मतलब बढ़िया से रील्स वील्स बनाए हैं खूब, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना दोनों आईडी पे। और अभी एक बार फिर से चलते हैं यमुना जी देखने के लिए, और उसके बाद चाहेंगे उधर से मतलब रील्स शायद बढ़िया से शूट हो, इधर पूरा मतलब धुंधला आता है, फ़ोटो भी अच्छा नहीं आता है, बहुत बेकार फ़ोटो आता है, फिर भी मतलब रील शूट किए हैं बढ़िया बढ़िया। और देख सकते हो भाई यही है यमुना जी, याद में तेरी। तो देखो भाई ये है नीचे जाने का रास्ता, और इसी के अंदर में शायद वो जो राज है ना 22 कमरों वाला, हो सकता है इसके अंदर हो या फिर आगे हो, जो भी होगा हम बताएंगे। झांक झांक के क्या देख रहे हैं अंदर पता नहीं, चलो हम भी देखते हैं। याद में तेरी के लोग क्या देख रहे हैं भाई, अरे इधर लकड़ी उकड़ी रखल है, अथी रखल है, ईटा है, ईटा है, इसके अंदर ईटा रखल है भाई, हाँ बोलिए भैया कोई है देखिए बोलिए, और आवाज कितना गूंजता है देखो, हेलो अंदर में अंदर में भूत है भाई, भूत है, पूज रहा है आवाज एकदम से। चलो भाई अब सोच रहे हैं ना कि यहाँ से निकल जाए क्योंकि मथुरा पहुँचना है भाई आज ही, और 60 किलोमीटर है, 1 बज रहा होगा, और अगर ऊपर जाना चाहे ना गुंबद पे तो लगता है करीब 200 रुपया, और उतना में भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, उतना बजट नहीं है हमारा, तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, जितना हो सके दिखाने की कोशिश किए और निकलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। और अब हम यहाँ से यात्रा करेंगे मथुरा तक का, देखते हैं इसी वीडियो में करते हैं या फिर आगे, वो हम आगे बताएंगे। तो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और थोड़ा सा और देख लो भाई खूबसूरती ताजमहल का, यहाँ से देख सकते हो भाई कितना मतलब गजब लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इमारत जिसको हम बोलते हैं, देख सकते हो भाई शानदार महल है यार भाई, ये जो है ना इस पे हो सकता है यहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे ताजमहल, तो देखते हैं जाके, देख लो यहाँ से ताजमहल की सुंदरता। तो भाई हमने ताजमहल तो अब घुमा ही दिया है, अब हम निकल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट गेट है, और यहाँ से अब हम निकलेंगे, और क्योंकि आज ही हमको पहुँचना है मथुरा इसीलिए थोड़ा सा जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फिर से बता रहे हैं कि जितना हो सके हम दिखाने की कोशिश किए, और निकलते हैं अब यहाँ से, और देखते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना है या फिर मथुरा तक ले जाना है, ये हम आगे जाके सोचेंगे। फिलहाल ताजमहल का अंतिम बार दीदार कर लो थोड़ा सा। अगर इसी वीडियो में हम मथुरा तक जाते हैं ना तो बहुत लंबा हो जाएगा 15-16 मिनट का, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमारे वीडियो का डोज हर रोज़ लेते रहिए भाई साहब।